हाय, गुड मॉर्निंग। देखो, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, इंडियन पॉलिटी, या जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था। हमें ये क्यों पढ़ना है? तो देखिए, आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ का प्रोफेशन कर रहे हैं, या फिर स्कूल लाइफ में हैं, या किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, आपको इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जानकारी होने से हमें अपने बहुत सारे ऐसे अधिकार, बहुत सारे ऐसे कर्तव्यों का पता चलता है, जिसके आधार पर हम एक अच्छे राज्य का निर्माण भी करते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में आता है कि ये दो चीजें हमें समझ में आ रही हैं। पहली चीज है कि इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था, जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें दो चीजें देखने को मिलती है। पहला मिलता है कि आखिर में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चीज क्या अलग अलग है? तो याद रखिए कि हाँ, ये बेसिकली क्या है ना, कि एक का जो चर्चा होता है वो होता है राज व्यवस्था के तौर पर, और एक का चर्चा जो होता है वो संविधान के तौर पर होता है। दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, जो राज व्यवस्था है वो बेसिकली है संविधान, जिस तरीके से उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही है, वो किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, कैसे रन कर रहा है, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं। यानी संविधान का वास्तविक जो कामकाज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉलिटी कहते हैं। तो फिर बात होता है कि संविधान क्या है? तो संविधान बेसिकली क्या है कि कानून है, बहुत सारे ऐसे कानून है जिनको हमने बाइंड करके रख दिया है। तो राज व्यवस्था और प्रशासन, जैसे जब हम बात करते हैं पॉलिटी का, तो ये क्या है? तो ये राज व्यवस्था, और जो राज व्यवस्था हमारा पॉलिटी, यानी वो क्या है? तो वो प्रशासन और राजनीति विज्ञान का एक बेसिकली क्या है, तो वो एक अध्ययन है, वो एक स्टडी है। जैसे जैसे अभी इलेक्शन होने वाला है, जो आम चुनाव होने वाला है, उस आम चुनाव में क्या होगा, बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी, वो चुनाव में भाषण देंगी, उसके आधार पे वोट होगा। तो वोट कैसे होगा, इस चीज का निर्धारण तो भाई इलेक्शन कमीशन करेगा। पार्टियां कैसे गठित होगी, इस चीज का तो जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। पार्टियां कैसे कैसे चर्चा करेगी, किस टॉपिक पे बात करेगी, कैसे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, इन सब चीजों का चर्चा तो संविधान में नहीं किया गया। लेकिन ये है तो व्यवस्था, क्योंकि ये राजनीति से तो जुड़ा हुआ है ही। यानी अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सेट हो गया, उसमें एक सेट जो है, एक छोटा सा जो हिस्सा है, वही हमारा संविधान, या फिर जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। जब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान का, तो इसमें हमें बेसिकली क्या देखते हैं, तो देखो, जानवरों के लिए राजनीति विज्ञान नहीं है। हम मानव क्या करते हैं कि हम ह्यूमन है, हम मानव है, हम अपने लिए एक सोसाइटी बनाते हैं। अगर हम ह्यूमन हैं तो हम अपने अकेले रह नहीं सकते हैं, तो हमारे पास में क्या होती है, बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो वो एक समाज का निर्माण करते हैं। अब ये जो समाज है, ये समाज कैसे कार्य करेगा, क्या इस समाज में हर कोई अपने हिसाब से कार्य करे? तो अगर अपने हिसाब से कार्य करेगा तो वो तो एक जंगल का सिनारी हो गया। तो ये कैसे कार्य करेगा? तो समाज अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियम कानून बनाएगी, बट ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो किसी ना किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह द्वारा बनाए जा रहे हैं। लेकिन कई बार होता है, जैसे हमारा, जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, तो ये सही कहाँ था? जैसे हिंदू धर्म में या बहुत सारे जो अन्य धर्म है उनमें दहेज प्रथा है, तो ये क्या सही है? ये भी सही नहीं है। जो लड़कियों का विवाह है वो कोई 16 साल में हो जाए, कोई 12 साल में हो जाए, तो आम लोगों को जो मिलने वाले अधिकार है उसको कैसे तय किया जाएगा? बहुत सारे ऐसे जो संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य करेंगी? तो समाज को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बहुत सारे कानून चाहिए। अब इस समाज पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? समाज पे कंट्रोल करेगी सरकार। सरकार को कंट्रोल कौन करेगा? सरकार भी तो ऐसा नहीं ना कि अगर वो निरंकुश हो जाए तो वो तो अपने हिसाब से कानून बनाने लगेगी। तो सरकार बंधी रहेगी किससे? वो बंधी रहेगी संविधान से, या फिर इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इस संविधान में चेंज कौन ला सकता है? तो सरकार ला सकती है, लेकिन सरकार जवाबदेह होगी किसके प्रति? समाज के प्रति। समाज चाहे तो सरकार को चेंज कर सकता है। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। जब हम बात करते हैं और ब्रीफ तरीके से संविधान को, तो संविधान में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, नियमों का एक समूह मिलता है जो क्या निर्देश करता है, जो ये निर्देश करता है, जो ये डायरेक्ट करता है कि एक देश यानी एक कंट्री हो जाए, या फिर एक राज्य, एक स्टेट हो जाए, और उसमें अन्य जो भी संगठन है वो कैसे काम करेंगे। संविधान ये भी बता सकता है, या ये भी बताता है कि सरकार की कौन कौन सी शाखाएं होंगी, जैसे उनके पास में कौन कौन से ऐसे मिलिट्री फोर्सेस होंगा,
उनके पास चुनाव आयोग होंगे, उनके पास अन्य ऐसी शाखाएं होंगी, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, कैसे काम करेगी, ये सारा चीज कहाँ पे है, तो संविधान में जिक्र होता है। इसके अलावा जो आम लोग हैं, उन आम लोगों में से जो नागरिक है, उन नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन से कर्तव्य होंगे, जो वैसे लोग जो नागरिक नहीं है, जो दूसरे देश के वासी हैं, वो भारत में या किसी देश में रह रहे हैं, उनके पास कौन से अधिकार होंगे, ये सारा चीज भी क्या बताएगा, तो संविधान ही बताएगा। अब हमारा ये प्यारा भारत है, प्यारा भारत जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंडिया, लेकिन अगर संवैधानिक भाषा में कहें तो इसे हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारत एक गणराज्य है, गणराज्य। भारतीय संविधान की खासियत क्या है कि ये सबसे बड़ा है, क्या है सबसे बड़ा संविधान तो है, लेकिन ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधानों में सबसे बड़ा एक संविधान है। अब बात आता है कि लिखित या अलिखित संविधान क्या होता है, तो देखो लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा दस्तावेज होता है जिससे हम संहिताबद्ध किए कर चुके हैं, यानी हम कंपाइल कर चुके हैं, जैसा हमें भारत में देखने को मिलता है, अमेरिका में देखने को मिलता है। फिर बात आता है कि अलिखित संविधान क्या है, तो ये देखो ये एक ऐसा है जो किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, यानी उसकी बाइंडिंग नहीं की गई है, कुछ भी जो ऐसे कानून है वो जो बने, बस वो ऐसे ही बने हुए कानून है, उसको यूज किया जा रहा है, बट उसको एक तरीके से एक किताब का शक्ल नहीं दिया गया, इसलिए उसे हम संविधान नहीं कह पाते हैं। जैसे यूके का हो गया, जैसे न्यूजीलैंड का हो गया, ये सारे सारे क्या है, तो इनके पास में अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर पूरे विश्व के पैमाने पे देखते हैं तो पूरे विश्व में जो सबसे पहला लिखित संविधान हमें देखने को मिलता है वो मिलता है यूएसए का, यानी अमेरिका का। जब हमें पता है कि अमेरिका को आजादी मिली ब्रिटेन से, तो सबसे पहले वहां पे क्या हुआ कि कुछ लोगों के समूह ने, कुछ राज्यों के जो नेता थे वहां, उन लोगों ने मिलकर एक पेज पे लिखना शुरू किया। ये घटना हुई 1787 की, 1787 को उसको अप्रूवल मिल जाता है, 1788 के आसपास मिल जाता है, और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं सभी लोगों के सिग्नेचर वो होते हैं 1789 के आसपास में। तो पूरा पूरा जो संविधान है वो कब बन गया, तो वो 1789 के आसपास में यूएसए का संविधान बन गया, जो सबसे पहला हमें लिखित संविधान देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम अलिखित में आते हैं, नॉन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि कनाडा हो गया, चाइना हो गया, इसराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूके हो गया, इन सभी के पास में क्या, तो इन सभी के पास में अलिखित संविधान है, यानी संविधान का कोई एक किताब नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे कानून होंगे जो किसी किताब के शक्ल में नहीं है। जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका भारतीय संविधान का निर्माण, कि कैसे हमने अपने भारत के संविधान का निर्माण किया है।